हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं 12 डिज़ाइन एक साथ। सो मेक श्योर गाइस किसी भी स्टेप को मिस मत करना। और हाँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना गाइस। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो सबसे पहले जो है हम इस स्टेप पर अप्लाई करेंगे ये ग्रे कलर, और ये ग्रे कलर जो है पूरे नेल पे फर्स्ट कोट अप्लाई करेंगे और इसे एप्लीकेशन के बाद जो है हम इसे क्योर करा देंगे। तो फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद अब अप्लाई करेंगे हम क्योर कराने के बाद सेकंड कोट ऑफ जेट पॉलिश। तो सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश को अप्लाई करने के बाद और क्योर करने के बाद जो है हम अप्लाई करेंगे ये यूवी टॉप कोट। तो पूरी नेल के ऊपर जो है ये यूवी टॉप कोट अप्लाई कर देंगे और हम इसे भी जो है क्योर करा देंगे। सो यूवी टॉप कोट क्योर कराने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे क्रोम पाउडर पूरे नेल के ऊपर, फिंगर से रब करेंगे अच्छे से। क्रोम पाउडर के एप्लीकेशन के बाद जो है ये है यूवी टॉप कोट हमारा, और जहां जहां पर भी हमें डिजाइन क्रिएट करना है इस तरीके से पतले वाले ब्रश के साथ हम पूरे नेल के ऊपर जो है डिजाइन कर देंगे। और मेक श्योर जहां जहां पर आपको क्रोम का रिफ्लेक्शन चाहिए तो आपका यूवी टॉप कोट जो है सिर्फ वहीं पर ही अप्लाई करना। तो जैसे कि मैं सेंटर पर अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद जो है हम साइड्स को भी कवर अप करेंगे और इसे हम क्योर करवा देंगे। जहाँ पर भी हमें क्रोम का रिफ्लेक्शन चाहिए यूवी टॉप कोट लग के और इसे क्योर कराने के बाद जो है हम करेंगे जेल वाइप इसे एस्ट्रॉन फ्री के साथ। सो आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पर हमने यूवी टॉप कोट लगाई थी वहाँ वहाँ पर जो है क्रोम का रिफ्लेक्शन रह गया है और बाकी जगह से हट गया है। सो वेट फॉर द नेक्स्ट डिज़ाइन। और अब पर यह है हमारी नेक्स्ट नेल आर्ट की। सो इस तरीके से हम जो है फर्स्ट कोट अप्लाई कर देंगे पूरे नेल के ऊपर और इसे हम क्योर करा देंगे। और क्योर कराने के बाद जो है डफली आइडिया हम वाइट जेल पॉलिश का और लाइट पिंक जेल पॉलिश का लगाएंगे। जहाँ पर भी आपको अप्लाई करना है आप उस एरिया पे इसे अप्लाई करके क्योर करा दीजिए। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये फॉइल, हमारे पास गोल्डन फॉइल है। इसे जो है टूथपिक की हेल्प से, पुशर की हेल्प से तोड़ लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। और टुकड़े जब हमारा नेल पेंट क्योर हो जाएगा उसके बाद जो है हम टूथपिक की हेल्प से नेल के ऊपर अप्लाई करेंगे। और फॉइल अप्लाई करने के बाद अब हम करेंगे ब्रश आर्ट विद एक्रेलिक पेंट्स। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने इसके लिए कोई बफिंग नहीं करी है, डायरेक्ट वर्क करना है आपको। स्टेप बाय स्टेप जो अगर आप फॉलो करते हैं और इसे वर्क करते हैं तो हमारा ये वर्क काफ़ी ब्यूटीफुल बन के आता है। और अब हम अप्लाई करेंगे यूवी टॉप कोट पूरे नेल के ऊपर और इसे भी हम जो है सील करा देंगे।
सो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।